दोस्तों नमस्कार। जीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज आसान से कुछ सवाल हम देखते हैं इस वीडियो में, जो आपके एनटीपीसी के लिए या सीपीओ के लिए या सीएचएसएल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुछ सीजीएल के लेवल से थोड़ा सा नीचे मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और इस पे जो क्वेश्चन होंगे वो आपके नंबर सिस्टम पे ज़्यादा बेस्ड होंगे, जो नंबर सिस्टम के साथ साथ आपके जो कमर्शियल मैथ्स है कहना चाहिए, उस पर कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले पहला सवाल के साथ। रोज़ी, मीरा और सलमा ये तीन लोग हैं, तीनों एक जॉगिंग रिंग में चक्कर लगाते हैं। एक चक्कर क्रमशः 12, 18 और 20 सेकंड में पूरा करते हैं। तीनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे या कितने मिनट में मिलेंगे, ये हमारा सवाल है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एलसीएम पे बेस्ड होते हैं। ये तीन नंबर जो है दिख रहे हैं आपको, ये तीनों नंबर का आपको एलसीएम निकालना होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। आपने अगर एलसीएम निकाल लिया ठीक ठाक, तो इसका मतलब है आपने अपना आधा टास्क पूरा कर लिया, क्योंकि आपको और कुछ नहीं करना। ये जो नंबर है इनका आपको एलसीएम ही निकालना है और कुछ नहीं करना है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें क्या दिया है आपको, एक तो 12 मिनट है, ये सेकंड सॉरी, और एक 18 सेकंड में और एक जो है 20 सेकंड में। इनका एलसीएम निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कॉमन फैक्टर पहले निकाल लूँ ताकि मुझे एचसीएफ मिल जाए। एक भी एक तरीका हो सकता है, आपका अपना तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके, एक तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको भी आप देख लें, हो सकता है आपने कभी यूज़ नहीं किया हो, शायद ये आसान लगे। तो ये 6 तो सब में कॉमन फैक्टर मुझे दिख रहा है, इसमें नहीं है ये। ये 30 है कि 20 है, ये 30 है मेरे ख्याल से, इसको 20 करने में तो दिक्कत होगी। ये 30 है, 6, 18 और 30 है, तब ये आएगा। ये 30 है, डाटा गलत लिखा है यहाँ पे, ये 30 है, इसको 30 कर लीजिएगा, तो ये 6 हो जाएगा। 6 दूनी 12 होगा, और ये 6 तीन 18 होगा, और 6 पंचे 30 होगा। अब ये देख लो, इस पे 6 कॉमन है, तो 6 बार बार अब लेने की ज़रूरत नहीं, आप 6 ले लें एक बार, फिर यहाँ पे 2 बच जा रहा है, यहाँ पे 3 बच जा रहा है, यहाँ पे 5 बच जा रहा है। 6 दूनी 12, 12 तीन 24, 24 5 दूनी 10, 10 तीन 30, 5 दूनी 10, 10 तीन 30, 30 छक्के 180, 180 आपके सेकंड्स आ रहे हैं, 180 आपके सेकंड्स आ रहे हैं। तो इनको अगर आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट में ये हो जाएगा 180 बटा 60, यानी कि 60 से आप डिवाइड कर देंगे, तो 3 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। आपके ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन 3 मिनट का दिया हुआ है, तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हो। मिक्सचर एलिगेशन का एक क्वेश्चन है, हालांकि आपको बहुत ज़्यादा इसमें मिक्सचर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहता है कि 2 लीटर चीनी और पानी के घोल में 20% चीनी है, 5 लीटर चीनी और पानी के घोल में, सॉरी 5 लीटर चीनी और पानी का घोल है, इसमें 20% जो है चीनी है। 2 लीटर पानी इसमें डालने पर जो नया घोल बनेगा, नया सोल्यूशन बनेगा, उसमें कितना परसेंट चीनी होगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन को समझिए, 5 लीटर आपके पास टोटल सोल्यूशन है, इसके दो पार्ट है, एक पार्ट 20% है, एक पार्ट 80% है। 20% में आपका शुगर है और 80% में आपका वाटर है, तो 20% कहने का मतलब हुआ 1/5, और 80% कहने का मतलब हुआ 4/5। एक जो है 1/5 है, एक जो है 4/5 है, मतलब एक पार्ट अगर शुगर है तो 4 पार्ट आपका पानी है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस पर देख रहा है। अब आपने क्या किया, 5 लीटर था सोल्यूशन, उसमें 2 लीटर और मिलाया, लेकिन अब जो 2 लीटर मिलाया ये केवल वाटर है, पानी है इसमें, तो शुगर की जो मात्रा है यानी कि शक्कर की जो मात्रा है वो परिवर्तित नहीं हो रही है, वो एज इट इज है। परसेंटेज जरूर उसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी भी शुगर जो है वो एक है, पानी आपका बढ़ गया, तो अब आपके पास क्या हो गया, टोटल हो गया 7, 7 में से एक पार्ट शुगर रह गया, 5 और 2 मिला दें तो 7 हो जाएगा, और इसमें शुगर जो है ये टोटल हो गया 7, और यहाँ पर जो शुगर है शक्कर जो है वो एक है समझ लो, तो अब वो 1/7 है। इस 1/7 को अगर मैं परसेंटेज में निकालूँ तो 100 से गुणा कर दूंगा, अब ये जाएगा आपका 7 से पूरा निकटेगा, 7 एकम 7 बचा तो 3 7 28 और 2/7, ठीक है, ये आपका आंसर बनना चाहिए इस क्वेश्चन का।
आप देखिए बी ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन में आप टिक कर दीजिए। मेरा ख्याल है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत आसान सा सवाल है। मिक्सचर एलिगेशन दिख जरूर रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको उसके नियम कायदे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग क्वांटिटी करके भी निकाल सकते थे, 5 लीटर चीनी है, 20 लीटर, 20% 5 लीटर सोल्यूशन है, 20% चीनी है, तो 1 लीटर चीनी हो गया और 4 लीटर आपका वो हो गया, फिर 2 लीटर और आपने मिला दिया। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे, जैसा आसान आपको लग रहा हो आप उसी मेथड को फॉलो करिए। दो पुरुष व तीन महिलाएं किसी काम को 4 दिन में पूरा करती हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, दो पुरुष या तीन महिलाएं, यहाँ पे या वर्ड है, यानी कि या तो दो पुरुष काम करेंगे तो 4 दिन लगेगा, या तीन महिलाएं काम करेंगी तो 4 दिन लगेगा। ये चीज को ध्यान से समझिए, इसी काम को एक महिला और एक पुरुष मिलकर के कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो क्वेश्चन को ऐसे समझिए, दो पुरुष हैं, उनको लग रहा है 4 दिन, ठीक है। तो एक पुरुष अगर अकेला करेगा तो उसको 4 × 2 यानी कि 8 दिन लगेंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना डिटेल लिख रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं महिलाओं से कराऊँ इस काम को, तो तीन महिलाएं हैं वो 4 दिन में करती हैं इसको, तो इसका मतलब एक महिला अगर करेगी तो 4 × 3 यानी कि 12 दिन में करेगी। अब आपको क्या करवाना है, ये दोनों को एक एक महिला और एक पुरुष को लेना है, जैसे एक मैन और एक वुमेन, इन दोनों का एक दिन का काम अगर आपको निकालना हो, एक दिन का काम अगर मुझे निकालना हो, तो क्या करूंगा मैं, 1/8 और 1/12 को जोड़ दूंगा, क्योंकि ये 8 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में 1/8 काम करेंगे, ये 12 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में 1/12 काम करेंगे। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, 8 और 12 का एलसीएम 24 हो जाएगा, 8 से 3 बार जाएगा, 12 से 2 बार जाएगा, 3 और 2 5, 5/24 काम करेंगे वो लोग एक दिन में। तो कहने का मतलब आपको कितने दिनों में काम करना है, तो आपको रिक्वायर्ड टाइम जो लगेगा वो इसका उल्टा लगेगा, 24/5, 5 और 24 और बचा 4, तो 4 को 40 बना दो, 5 × 48, 4.8 डेज लग जाएंगे अगर ये दोनों काम करते हैं एक साथ, एक पुरुष और एक महिला। ऑप्शन सी में आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आप ऑप्शन सी में टिक कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन बड़े उलझे हुए से थे, एक 6 दिन, एक 20 दिन, फिर 4.8 दिन, फिर निर्धारित नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन के ऑप्शन कई बार हमको कंफ्यूज करते हैं, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, उस हिसाब से ही आप काम को आगे बढ़ाना। क्योंकि क्वेश्चन तो कभी कभी आसान मिल जाते हैं, बट हमें ऑप्शन के कारण डर लगने लगता है कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सॉल्व करिएगा, ये क्वेश्चन इतना लंबा नहीं बनेगा, ये दिख रहा है आपको इतना लंबा, मगर अगर आप इसको मन से देखते हैं तो देखो ये 4 है, 2 तो 4 2 8 हुआ है, 3 है तो 12, 1 का 1/8, 1 का 1/12, दोनों का बस आपको प्लस करना है। ये सब सारी चीज़ें कुछ नहीं है, ताम झाम आप देख रहे हैं ना, जो इतना ये केवल एक्सप्लेनेशन के लिए चाहिए, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, ए की मासिक आय बी की मासिक आय की 40% है और सी की मासिक आय की 80% है, ठीक है। यदि बी की मासिक आय 84,000 रुपये है तो सी की मासिक आय क्या होगी। अब सवाल को देखिए, एक चीज को दो तीन जगह से अलग अलग उठा के रख दिया है उसने आपके लिए। ए की मासिक आय को कंपेयर कर रहा है पहले वो बी की मासिक आय से और फिर सी की मासिक आय से, दोनों से ए की जो मंथली इनकम है उसको कंपेयर कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो बी का इनकम है, यानी कि बी का 40% सी के 60% के इक्वल है, सी के 80% के इक्वल है, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही, क्योंकि ये दोनों एक ही मासिक आय के बराबर है ना। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो ये 40, बी का 40% और सी का 80%, ये दोनों अगर सेम है तो दोनों 100-100 उड़ा दो, ये उड़ा दो, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो बी जो है वो सी का डबल है। अब ये इतना भी करने की जरूरत नहीं है, तो यही दिख रहा है 40% है या 80% है तो डबल है। अब ये कह रहा है कि बी की मासिक आय 84,000 है, बी की वैल्यू मतलब 84,000 है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे आप काट दें, सी की वैल्यू मिल जाएगी आपको, आधा कर दें, 42,000 रुपये सी की वैल्यू मिल जाएगी, बस काम खत्म है आपका, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो सी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपका 42,000। देखिए ऑप्शन ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में आप टिक लगा दें बड़े आराम से।
अब इस सवाल को और अगर आप थोड़ा थॉट प्रोसेस अपना, आपकी एक्सपर्टी आ गई, अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए, तो ये कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी आपको। आप सीधा सीधा देखिए, ये 40% है और ये 80% है, मतलब डबल है, और एक चीज दूसरे की डबल है, और जो डबल है वो आपका 84% है, 84,000 है, तो उसका आधा 42,000 होगा बस। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं और ऐसे भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पांच लगातार सम संख्याओं ए बी सी डी और ई का औसत 52 है, ए और ई का गुणनफल क्या होगा? देखो, क्वेश्चन को आपको मैं समझाने के लिए जो बहुत सारी लाइनें लिख रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एक बार इस क्वेश्चन को समझ लिया। समझाने के लिए जरूरी है, इसलिए लाइन्स आप देख लें। एक तो ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है और एक ई है। एक चीज मैं बता दूं, जब भी कोई नंबर सीरीज आपको दी जाती है और वो सीरीज में है, सीरीज में मतलब इसके हर लगातार दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है, इसका मतलब वो सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो ठीक मिडिल टर्म होगा वही उसका एवरेज होगा। तो इसमें पांच टर्म है, पांच टर्म में से तीसरा टर्म जो होगा यही इसका एवरेज होगा, मतलब सी की वैल्यू 52 आपको दी गई है, आपको अलग से एवरेज एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। सी आपके पास 52 है। अब ये इवन नंबर्स हैं, लगातार सम संख्या है, मतलब ए जो है इससे चार पीछे है, क्योंकि इससे दो पीछे में बी आएगा, फिर दो पीछे में ए आएगा, तो ए से अगर मैं इससे चार कम कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 48, और ई अगर मैं निकालना चाहूं तो मुझे इसमें चार प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 56। ये आपने ए और ई निकाल लिया, अब आपको इन दोनों का गुणनफल निकालना है, वही आपका आंसर होगा। अब अगर आपके पास यही ऑप्शन है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 और 8, 8 छक्के होता है 48, यूनिट डिजिट में 8 आ रहा है, आपका आंसर यहीं पर टिक हो जाएगा, 2 और 0 और 0 वाले आंसर की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। फिर भी अगर आप कंफर्मेशन करना चाहें तो आप देख लें मल्टीप्लाई करके, आपका आंसर यही आएगा 2688। तो ये एक क्वेश्चन है जो एवरेज पे बेस्ड है, लेकिन आपको सीरीज नंबर सीरीज को भी समझना है अगर, तो ये बड़ा उपयोगी क्वेश्चन बनता है। सवाल को पढ़ेंगे अगर आप इसको, तो कंफ्यूज होंगे कि ये ऐसे कैसे पॉसिबल है। 24 मेज और 32 कुर्सी की कीमत 64,000 रुपये है, तो बताओ 3 मेज और 4 कुर्सी की कीमत क्या होगी? अलग अलग एक मेज और अलग अलग एक कुर्सी की कीमत नहीं दी गई है। आपका दिमाग वही काम करेगा यूनिटरी में कि अपन एक के एक मेज की और एक कुर्सी की कीमत निकाल लें, फिर उसके बाद उसको अलग अलग कर लेंगे, लेकिन नहीं, आप ऐसा करेंगे तो फिर आप बहुत मुश्किल में पड़ेंगे, बहुत लंबा समय लगेगा, हो सकता है क्वेश्चन आपसे ना भी बने। जितना इन्फॉर्मेशन आपको दिया है उसी को फॉलो करो और उसी से आगे बढ़ो। ये कहता है 24 मेज, मैंने मेज की कीमत एक्स मान ली, 32 कुर्सी, तो कुर्सी की कीमत मैंने वाई मान ली, ये हो गया आपका टेबल का मैंने एक्स माना है, ये ध्यान रखें, और चेयर का मैंने माना है वाई, ये ध्यान रखें, आप मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, कन्फ्यूज़न ना हो। ये टोटल मिला के 64,000 हैं, 64,000 रुपये में हमने इतनी चीज़ें खरीदी हैं। आप देखिए इनका HCF 8 है, तो मैं अगर 8 को बाहर निकाल दूँ तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 4y, 8 6 32, 8 3 24, ये हो जाएगा 64,000। 8 से ये 64,000 कट भी जा रहा है, 8,000। मेरे पास एक इक्वेशन आ रहा है 3x + 4y = 8,000। आप क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा है, 3 मेज और 4 कुर्सी, 3 मेज मतलब 3x, 4 कुर्सी मतलब 4y, यही तो आपको पूछा है। अलग अलग आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट ही यही है, 8,000 में टिक लगाएं, आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल गया है आपको। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जहां पर आप अपना एडवांस मैथ्स ना लगाएं, क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बेसिक के साथ चलें, जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है आप उन्हीं को यूज़ करें, उन्हीं से ही आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल आता है। तो फ्रेंड्स, ये एक वीडियो था आज का जिसमें छोटे मोटे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।